अगर खाली पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ लोग जो पेट डॉग्स समझते हैं अपने घरों में जो रखना चाहते हैं वो कुछ ब्रीड्स हैं, जिसमें सबसे पहले जर्मन शेपर्ड है, फिर लैब्राडोर है, कुछ लोग रॉटवाइलर्स रखते हैं और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक लोग होते हैं जो कि पिटबुल वगैरह भी रखते हैं। अभी जो आप मेरे सामने ब्रीड देख रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार ब्रीड है, फैमिली डॉग है, प्लस ये इनको देख के लगता नहीं है लेकिन ये वर्ल्ड टॉप 10 गार्ड डॉग्स में से एक है। आप सबने एक मूवी देखी होगी, डेलमेशन 101 एक मूवी है जिसमें 101 डॉग्स होते हैं, ये डेलमेशन हैं और ये पाकिस्तान में बहुत गिनती के लोगों के पास हैं और ये देखने में तो बहुत एक छोटी सी एक स्टैंडर्ड साइज ब्रीड है लेकिन ये बहुत ही डेंजरस डॉग्स भी होते हैं, एज अ गार्ड डॉग इनको लोग रखते हैं। ये जो मेरे पास है ये मेल डेलमेशन डॉग है, इसका नाम हमने जैक रखा है, हमारा प्यारा सा बॉय। और मैगी, कम है, गुड गर्ल, ये है मैगी। डेलमेशन में सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप डेलमेशंस को आराम से जज कर सकते हैं। डेलमेशन में सिर्फ दो कलर्स आते हैं, एक ये वाइट, उस पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और इनके स्पॉट्स की खास यूँ समझें कि एक ग्राफ होता है इस तरह के, इनके पास छोटे छोटे पैचेज होते हैं बहुत सारे। एक इनमें कलर आता है ब्राउन, वो बहुत रेयर कलर होता है, उसकी भी फीमेल मेरे पास है, वो भी यहाँ पर फार्म पे नहीं है, हमने घर पे रखी हुई है। डेलमेशन में सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये आपको कोई अगर बड़ी ब्रीड है, जैसे स्पेशली जर्मन शेपर्ड्स हैं या लैब्राडोर रिट्रीवर्स हैं, गोल्डन रिट्रीवर जिन्हें हम कहते हैं गोल्डन रिट्रीवर्स और जर्मन शेपर्ड्स लोग अपने घर में पसंदीदा डॉग काउंट करते हैं उनको और लोग रखते हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जर्मन शेपर्ड के कोट का मसला होता है, यानी कि बहुत सेंसिटिव होता है, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना उनकी कोट शेडिंग जो है यानी उनके जो बाल झड़ते हैं उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है लोगों में, लोग बोलते हैं इनको नहलाना बहुत मुश्किल है। इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो ये बड़े कॉम्पैक्ट साइज डॉग होते हैं, बहुत यूँ समझे एक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका जो कोट शेडिंग रेशियो है वो बहुत बहुत माइनर सा है, बहुत कम इनके बाल गिरते हैं, छोटे से डॉग्स हैं, इनके लिए कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए और इनमें जेनेटिकली एक प्रोटेक्शन का जो है वो एक कॉर्नर होता है। ये खुद ही माशाल्लाह से ऐसे आपके घर में अगर आपने डेलमेशन रखें, आप उनको जस्ट इनके जो चार दीवारी है उनको पता होनी चाहिए, वो खुद उसकी गार्डिंग करेंगे और ये बाइट फोर्स भी इनकी बहुत अच्छी होती है ना जैक। लेकिन अगर इंसान चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है, माशाल्लाह से आपके सामने है, ये भी गार्ड डॉग्स हैं, ये मेरे फार्म पे और 24 आवर्स खुले रहते हैं। अगर कोई बाहर से खुदा ना खास्ता आने की कोशिश करता है तो कोई भी हो, इवन मेरे साथ भी होगा तो ये उस पर बार्किंग करेंगे, उन पर अटैक करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड फैमिली ब्रीड भी है, एक दफ़ा देख लेंगे ओनर साथ है, बंदा कुछ कर नहीं रहा तो ये थोड़ा सा स्निफ करेंगे उसको और फिर छोड़ देंगे। इनको भी शिकार के लिए यूज़ किया जाता है डेलमेशन को, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल डक हंटिंग पे जा रहे हैं, वैसे तो हंटिंग के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आप डक हंटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप इसको आराम से उठा के कहीं भी रख सकते हैं, छोटे से डॉग्स होते हैं ये। एक मज़ेदार बात यह कि क्योंकि ये छोटा सा साइज़ होता है इनका तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनका खेलना कूदना इतना होता है कि शेकन, गुड बॉय, मैगी, कम ऑन, सेट, इधर सुन लो, इस वक्त टोटल ये खेलने के मूड में चलें, डाउन हो गई, जैक, शेकन, वो वाला। एक चीज़ बहुत गलत है, लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने डॉग लिया है तो आपको ट्रेनर मस्ट चाहिए, ऐसा नहीं है, आप खुद अपना डॉग ट्रेन कर सकते हैं, आपका रिलेशन होना चाहिए डॉग के साथ। आपका अगर रिलेशन अच्छा है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आप अपने डॉग को जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं, देखें इनको ये नहीं पता कि आपने अगर सिट बोला है तो उसका मतलब है बैठना, आपको थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो आप इनको इजीली ट्रेन कर सकते हैं। बहुत बहुत माइनर सी कमांड्स हैं, जैसे कम, गो, सिट बैक और डाउन, हैंडशेक, ये कमांड जैसी होती हैं ये डॉग्स खुद समझते हैं कि इनको ये कहा जा रहा है, इन्होंने ये करना है। और एक छोटी सी, अगर आप लोगों को पीछे कुछ शोर शराबी की आवाज़ आ रही है तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि ये शोर शराबा कौन कर रहा है। खैर, अगर आप चाहते हैं कि आप डेलमेशन रखें या डेलमेशन नहीं, आप अगर घर में लोगों की प्रॉब्लम होती है कि बड़ा डॉग वो नहीं रख सकते, प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे सकते, यानी अगर गर्मी आ रही है तो जर्मन शेपर्ड का आपको कोट ट्रिम करवाना पड़ता है, उनको शावर वगैरह बहुत देना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा डॉग हो जो देखने में बहुत खूबसूरत लगे आपके सामने, ये बहुत ही अट्रैक्टिव कलर होते हैं इनके, बहुत ही अच्छे से इनके पिगमेंटेशन होती है, अगर आप चाहते हैं आप एक छोटा सा डॉग रखें जो कि आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, एनिमल कोई भी हो अगर आपने एज अ पेट रखा हुआ है तो आपको उसको टाइम तो देना पड़ेगा, ये लाजमी सी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते ये, इनको नहलाना बहुत इजी है। जो बड़े कोट के डॉग्स होते हैं उनको नहलाने के लिए आपको कम से कम हाफ बॉटल शैम्पू तो चाहिए होगा, इनके लिए इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये शॉर्ट कोट होते हैं, इनकी शेडिंग बहुत कम होती है, प्लस ये कि एक बहुत ही बेस्ट गार्ड डॉग भी ये बन सकते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में कोई अच्छा सा डॉग रखें तो डेलमेशन एक बहुत अच्छी आपके पास चॉइस है। आप डेलमेशन रख सकते हैं और एक दफ़ा आप रख के देखें, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। और अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एनिमल्स के बारे में प्लस एग्जॉटिक एनिमल्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों को नए नए एनिमल्स से मिलवाता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना आपको पता है वाजिब ही है, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको बहुत सारे एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन मिल सके।